हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज के वीडियो में रिव्यू करेंगे बियर्डो के विस्की स्मोक सीरीज की नेक्स्ट परफ्यूम, जिसका नाम है विस्की स्मोक बर्बन उदय परफॉर्म। और ये बहुत अच्छा इंस्पायर्ड वर्जन है टॉम फोर्ड के टस्कन लेदर का। ये परफ्यूम भी मैंने बियर्डो की ठग लाइफ कॉम्बो में माफिया, मरीना और विस्की स्मोक के साथ खरीदी थी। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि कोई मूवी सुपरहिट हो जाती है तो उसका सीक्वल जरूर बनता है। सोच यही होती है कि जनता ने पहली वाली इतनी पसंद करी है तो एक और बना देते हैं, क्या पता वो भी सुपरहिट हो जाए। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं अचानक से मूवीज की बातें करने लगा हूं और सामने रखी हैं परफ्यूम, तो ये क्या मामला है? तो दोस्तों, आज मैं जिन दो परफ्यूम्स की बात करने जा रहा हूं उनकी भी कुछ ऐसी कहानी है। उनमें से एक है विस्की स्मोक, जो कि ऑलरेडी काफी सुपरहिट हो चुकी है और काफी पसंदीदा है, बेस्ट सेलर फ्रेग्रेंस है, बहुत लोगों को पसंद आई है। और दूसरी है विस्की स्मोक बर्बन, जो इसका सीक्वल है, और आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। रिव्यू में हमेशा की तरह एक नजर डालेंगे पैकिंग और बॉटल डिजाइन पर, और डिटेल में बात करेंगे नोट प्रोफाइल, परफॉर्मेंस, यूसेज, किस एज ग्रुप के लिए सही है, किस सीजन या टाइम ऑफ द डे में बेस्ट सूटेड है, और फाइनली क्या ये आपको खरीदनी चाहिए या नहीं, और इसके कोई और अल्टरनेटिव आते हैं या नहीं। अगर आपको इस वीडियो का ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने परफ्यूम से रिलेटेड सवाल कमेंट जरूर करें। चैनल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स। आउटर पैकिंग कॉम्बो में मिली बाकी परफ्यूम्स के बिल्कुल जैसी है। सामने और पीछे की तरफ बियर्डो विस्की स्मोक बर्बन, कंसंट्रेशन उदय परफॉर्म, और क्वांटिटी 50 ml, और एक नंबर है इसमें नंबर 6 प्रिंटेड मिलता है। बॉक्स पर कहीं पर भी नोट प्रोफाइल अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको या तो गूगल करना पड़ेगा या इनकी वेबसाइट पर देखना पड़ेगा। इसकी MRP 999 rupees है, शेल्फ लाइफ 3 साल की है। मैंने क्योंकि इसे कॉम्बो में खरीदा था इसलिए मुझे हर परफ्यूम 250 rupees में मिल गई। बियर्डो की साइट पर अगर आप इसको खरीदें तो ये 599 rupees में मिल जाएगी। परफ्यूम बॉटल की बात करें तो इस पर डिटेल्स प्रिंटेड नहीं है माफिया और मदीना के जैसे, ये देखिए। अब क्योंकि ये बियर्डो के विस्की स्मोक सीरीज का नेक्स्ट वर्जन है, इसलिए दोनों बॉटल्स में काफी सिमिलैरिटीज हैं। और वो है कि सबसे पहले बॉटल का कलर जो है काफी मेल खाता है। दूसरा, इस पर भी एक स्टिकर अवेलेबल है जैसा विस्की स्मोक में अवेलेबल था। विस्की स्मोक पे एक नंबर 5 बना हुआ है जिसकी मिस्ट्री का राज मुझे आज तक नहीं पता चला, और इस पर नंबर 6 बना हुआ है। देखिए, नेक्स्ट वर्जन है तो 5 के बाद 6 ही आएगा। अगर आपको ये नंबर 5 के पीछे की मिस्ट्री के बारे में पता है तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। बॉटल के नीचे एक स्टिकर अवेलेबल है जिसमें बॉक्स में दी गई वही सब इन्फॉर्मेशन। बैक साइड पर बैच नंबर, शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन और MRP प्रिंटेड है। कैप प्लास्टिक की है, बिल्कुल बाकी 3 बॉटल्स की जैसी, और काफी प्रीमियम फील देती है, अच्छी ग्रिप है। एटमाइजर की बात करें तो काफी डिसेंट है, अच्छा स्प्रे करता है, लीक नहीं करता, हर स्क्वीज में अच्छा जूस रिलीज करता है, और 50 ml की इस बॉटल में आपको 400 स्प्रेस आराम से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों इसकी फ्रेग्रेंस समझे। बहुत अच्छा स्प्रे है। कंपनी द्वारा दी गई नोट प्रोफाइल कुछ इस प्रकार है। टॉप नोट में बगमो, एल्मी, ग्रीन नोट्स और ब्लैक पेपर का ब्लेंड मिलता है। मिड नोट्स में जेरेनियम, लेदर, सैफ्रन और ऊद का ब्लेंड मिलता है, और फाइनली हार्ट नोट्स में ओरस, पचुली और मिर का ब्लेंड मिलता है। परफ्यूम के इनिशियल स्प्रे पर आपको हल्के सिट्रसी स्वीटनेस के साथ मिलते हैं ऊद, सिनेमन, सैफ्रन, लेदरी, टोबैको और थोड़े स्पाइसी नोट्स का ब्लेंड। ये नोट्स हैवी, वार्म, स्पाइसी, स्वीट है, और ऐसी परफ्यूम विंटर्स के लिए एकदम बेस्ट चॉइस बन जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये टॉम फोर्ड के टस्कन लेदर का स्मेल अलाइक है। दोस्तों, टॉम फोर्ड की फ्रेग्रेंसेस मेरे बजट के बाहर है, लेकिन मैंने हाल ही में जॉर्ट एरोमेटिक्स की टस्कन लेदर का इंस्पायर्ड वर्जन खरीदा था जिसका नाम है एक्लिप्स। दोस्तों, इसको मैंने यूज किया है और इसको यूज करने के बाद मेरे मन में कोई डाउट नहीं कि विस्की स्मोक बर्बन जो है वो टॉम फोर्ड के टस्कन लेदर का ही स्मेल अलाइक है। इनफैक्ट जब मैंने इसको और टॉम फोर्ड की टस्कन लेदर की नोट प्रोफाइल को करीब से देखा तो मैंने यही पाया कि इनके काफी सारे एलिमेंट्स इन्होंने टस्कन लेदर जैसे ही चूज कर रखे हैं। अब ऑब्वियसली वो इतनी महंगी परफ्यूम है तो उसकी लॉन्जिविटी, उसकी परफॉर्मेंस और उसमें जो ऑयल्स प्रीमियम क्वालिटी के यूज कर रखे हैं वो यहाँ पर शायद ना मिलें, क्योंकि ये देखिए फिर भी ये काफी सस्ती है एज कम्पेयर टू टॉम फोर्ड की फ्रेग्रेंस। लेकिन फिर भी इसमें जो स्मेल अलाइक की बात करें वो काफी हद तक टस्कन लेदर जैसी ही है। सबसे पहले बात करें सीजन में, किस सीजन में यूज करना चाहिए, तो मैंने बताया कि विंटर्स के लिए एकदम बेस्ट चॉइस है। समर्स में इसको अवॉइड करें क्योंकि आपको बेसिकली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। फ्रेग्रेंस अच्छी है लेकिन परफॉर्मेंस में समर्स में आप मार खा जाएंगे। ऐसे में आपको लगेगा कि शायद ऐसी बड़ा चढ़ा के रिव्यू दिया है और क्या पता ये फेक रिव्यू है या स्पॉन्सर्ड वीडियो है। परफॉर्मेंस की बात करें तो स्किन और क्लोथ दोनों पर अप्लाई करेंगे तो विंटर्स में 4 से 5 घंटे की लॉन्जिविटी आराम से मिल जाएगी। और अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन की बात करूं तो 30 to 45 minutes तक बहुत लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या पहना है, उसके बाद धीरे धीरे ये आपके कपड़ों में सिमट जाएगी। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अगेन इसको विंटर्स या कूल एनवायरनमेंट में ही यूज करें। समझ में, जैसे मैंने बताया, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा।
यूजेज की बात करें तो कैजुअल, इनफॉर्मल, डेट नाइट्स, क्लबिंग, पार्टीज के लिए बेस्ट सूटेड है। और एज ग्रुप की बात करूं तो ये थोड़ा मैच्योर लगता है मुझे, और मेरी राय में ये एजेस 25 एंड अबव के लिए बेस्ट सूट करेगा। इन ऑल बात करें तो दोस्तों फ्रेग्रेंस अच्छी है और इसमें कोई शक नहीं है, सिंथेटिक या चीप फील नहीं होती। मैं इसको फ्रेग्रेंस के डिपार्टमेंट में 10 में से 8 नंबर दूंगा। टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर परफ्यूम अगर आपके बजट के बाहर है तो आप इस अच्छे अल्टरनेटिव को जरूर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि जॉर्ड एरोमेटिक्स का मैंने एक फ्रेग्रेंस ट्राई किया है एक्लिप्स, ये अगर आप जानना चाह रहे हैं इसका रिव्यू मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। ये 60 ml की बॉटल है और इसकी कीमत है 149 rupees। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आया होगा। अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल के इंस्टाग्राम पेज से जुड़े और अपने सवाल वहां पर भी DM कर सकते हैं, मैं उनका भी जवाब दूंगा। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू और अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।